ये सारे के सारे स्टूडेंट MITS कॉलेज में लगी इसरो की साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए जा रहे हैं। इनकी ये यात्रा नॉलेज से भरपूर तो है ही, काफ़ी मज़ेदार भी होने वाली है। दोस्तों, इस यात्रा को एंजॉय करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो लीजिए साहब, ये रहा इसरो की साइंस एग्जीबिशन का मैदान। आने और जाने के लिए दो अलग अलग गेट बने हुए हैं। नेचुरली एक गेट पर एंट्रेंस यानी वेलकम लिखा हुआ है और दूसरे पर एग्जिट लिखा हुआ है। जिज्ञासाओं और उत्सुकता का यह दौर कभी अर्थ और उसके सैटेलाइट की तरफ जाता है। कुछ देर एक्सप्लेनेशन समझने के बाद कुछ लोग यहाँ पर सैटेलाइट के बारे में बड़ी गहनता के साथ सुन रहे हैं। हरिकेन यानी चक्रवाती तूफान कैसे आते हैं और कैसे हम उनके दुष्प्रभावों से बचते हैं, देखिए कितने गौर से सुन रहे हैं। बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे चार्ट और समझाने में एक्सपर्ट बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन सैटेलाइट के रॉकेट का मॉडल। हमने क्या देख लिया होता है, सब इकट्ठे होते जाना बाहर मतलब नहीं लेना। और जानकारी देने के लिए ऑडियो सिस्टम भी यहाँ पर लगा हुआ था। सच में एग्जीबिशन नॉलेज से भरपूर और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का देखा गया। बच्चों को तो बस मज़ा ही आ गया। उनकी क्वेश्चन पूछने की आदत आज देखते ही बनती थी। देखिए जनाब कितनी उत्सुकता से पूछताछ में लगे हैं। भाई लगता है कि आज ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जल्दी जल्दी सब जानने की होड़, कम समय में ही सब कुछ समझ लेने की जल्दबाजी। सर्दी की सुहानी सुबह और सुबह का सुहाना मौसम जो धीरे धीरे दोपहर में बदलता जा रहा था। कुछ लोगों को भूख लगने लगी थी और कुछ लोगों के घर से फोन आने लगे थे, लेकिन मन की उत्सुकता थी कि शांति नहीं हो रही थी।
तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को संभाल के रखना, क्योंकि आगे आने वाले समय में यही आपके लिए यादों का खजाना बनने वाला है। हम जल्दी ही मिलेंगे, इस विश्वास के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, बाय बाय।